मैं बर्गर किंग गई थी, वो बंदा इंग्लिश ही नहीं जान रहा है। मज़ा नहीं है यार, मज़ा नहीं है। एक तो ना यहाँ पे समझ नहीं आता है, यहाँ जाए यहाँ जाए। इट्स लाइक सरोजनी नगर। ओके एवरीबॉडी, सो डे टू अपना शुरू हो गया है बैंकॉक में, और आज हम आ गए मेट्रो स्टेशन से बाहर। कल मैं सनामचाई करके एक मेट्रो स्टेशन से एक स्टेशन पहले उतरी थी, तो मैंने उसके आसपास का चीज़ें एक्सप्लोर की थी। आज मैं उसके एक स्टेशन बाद उतरी हूँ इसराफाब, क्योंकि रिवर क्रॉस करके जाने के दो ऑप्शन है, एक तो आप मेट्रो से आ सकते हो और दूसरा यू कैन रिवर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आपको फिर बोट लगेगी तो बोट ले सकते हो, जो कि मैं ज़्यादा टाइम करूँगी, वो भी एक्सपीरियंस करना है। तो इससे कल मुझे 20 लगे थे बात, आज मुझे 24 बात लगे हैं, और आई एम गोइंग टू वॉर्ड्स फर्स्ट वातरुण चलते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर है और मुझे वो देखना है इससे कि पहले बारिश हो जाए, क्योंकि आज प्रिडिक्शन है बारिश का। तो या मैं फटाफट से इसमें मैप में डालती हूँ और वॉक करते हैं। 10 मिनट का वॉक दिखा रहा है यहाँ से, लेट्स गो। गलियाँ होती है ना जहाँ से ऐसे पेड़ होते हैं दोनों तरफ, ऐसे चलने में बड़ा मज़ा आता है। 7 मिनट है अभी, मुझे तो ऐसे वॉक करने में बहुत ही मज़ा आता है, अकेले रहो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप वॉक करके आसपास नहीं घूम रहे हो, मज़ा नहीं है यार, मज़ा नहीं है। मुझे तो ऐसे टैक्सी में ऐसे टूरिस्ट की जैसे एक जगह से दूसरी जगह जो छोड़ते रहते हैं ना, आई लिटरली हेट इट। और पापा के साथ भी जब मतलब हम लोग फैमिली में भी ट्रैवल किया करते थे ना, तो मेरे पापा मेक श्योर करते थे कि हम लोग चले, जितना हो सके उतना चले, सो दैट्स गुड। सो 100 बात की है, टिकट मिली है बात अरुण अंदर जाने के लिए, और साथ में यहाँ पे ना हर जगह पानी की बॉटल फ्री दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है और अब चलते चलते थक जाते हो। वाह यार सुंदर है बहुत, तो यहाँ से जाना होगा, लेट्स गो। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है यार इसको। एंड एक्चुअली पता है, हम लकी कि स्काई इतना ड्रामेटिक है, इतनी ड्रामेटिक स्काई के साथ पिक्चर इतनी सही आ रही है ना। अभी मैंने दो यंग लड़कियां थी कॉलेज गोइंग लग रही थी, उनको मैंने बोला कि मेरी पिक्चर क्लिक कर दो, एंड दे क्लिक नाइस पिक्चर। सो या ऐसे सोलो ट्रिप ऐसे ही करना पड़ता है, या तो किसी को बोलो या तो फिर ट्राईपॉड सेट करो। और यहाँ पर ना इतनी छोटी छोटी ऐसे बेल लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, और जो बज रही है हवा से इतनी अच्छा आवाज़ आ रहा है यार, वाओ। यहाँ तो मैं पूरा दिन स्पेंड कर सकती हूँ, इट्स सो गुड। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, हिमानी अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपकी फोटो कौन क्लिक कर रहा है? गाइस टेक्नोलॉजी, दिस इज़ व्हाट आई डू। मेरा ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड में फ़ोन लगा के टाइमर लगा के, एंड देन अच्छा सा फ्रेम देख के, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये वाला फ्रेम आ रहा है, ठीक है। अभी इस फ्रेम पर मैंने फ़ोटो क्लिक करी और बड़ी अच्छी आई है, ये देखो। अभी इसको एडिट करके और मज़ेदार हो जाएगी। तो या दिस इज़ हाउ आई क्लिक माई पिक्चर। बाय द वे वातावरण बहुत सुंदर है, लाइक वेन एवर यू आर इन बैंकॉक, इतना शांत भी है और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। वेन एवर यू आर इन बैंकॉक, मुझे लगता है इस जगह तो आपको आना ही चाहिए वातावरण। एंड कल जो मैं गई थी वात 4, एंड थर्ड इज़ ग्रैंड पैलेस,
या ये सब जगहें बहुत ही सुंदर है, सिटी में है येट ऐसा लगता है आपको सिटी से बाहर हो, बहुत ही क्वाइट, और क्योंकि थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्लेस है, थोड़ी सी क्या स्पिरिचुअल प्लेस है, तो लोग रिस्पेक्ट में और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मतलब छोटे कपड़े आप पहन के नहीं आ सकते, अगर पहन के आओगे तो वो आपको कुछ देंगे स्कार्फ जैसा जो पूरा ढकना पड़ेगा, तो या दैट्स दैट। अभी और बचा हुआ है, मैं तो पसीने छूट रहे हैं ह्यूमिडिटी में, वेदर अच्छा है बट ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ओके, पानी पीते रहो, घूमते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, लेट्स गो। सो मैं आपको जिस बात कर रही थी बोट की, वो ये वाली बोट थी, वो इससे उस पार लेके जाती, तो अभी मैं इसी से जाऊंगी, देखती हूँ, पता करती हूँ कितनी कितनी देर में है और कितना रुपए लगने वाला है। मुझे लग रहा है वैसे 60 बात कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी लेट्स चेक और देखते हैं, हम इससे चलते हैं और उस साइड जाके फिर देर आर फ्यू प्लेसेस जो कि हम देखते हैं, और एक मार्केट है वो मुझे आज एक्सप्लोर करना है। फेरी तो बड़ी सस्ती है यार, 5 थाईबाद में मैं जा सकती हूँ उसमें से, नाइस, 5 रुपये में एक पार से दूसरे पार, इंडिया के हिसाब से 10 रुपया, ओ इट इज़ लिटिल स्केरी दो, ओके कोई भी नहीं, लेट्स सी कितनी देर में आती है फेरी। और भी लोग आ रहे हैं, तो हाँ जी फेरी आ गई है, बैठ गए हम, अभी चल के जो है मुझे लंच करना है क्योंकि 1:30 बज रहे हैं, और उस साइड रिवर के बहुत सारे कैफेज है, रिवर व्यू, तो कहीं अच्छे से कैफे में जाएंगे और लंच करते हैं। ओह माय गॉड, डिशे है दो इनके पास वीगन में, फिर भी मैंने सोचा ओके चलो लंच कर लेते हैं, तो मैंने स्प्रिंग रोल ऑर्डर किए वीगन स्प्रिंग रोल। तो अगर आप मेरे जैसे एकदम शाकाहारी हो, मतलब आप एग भी नहीं खाते हो, तब तो आपको हर जगह जाके बस ये बोलना है वीगन फूड कहीं मिलता है वहीं पर खाओ आप, दो हर जगह यहाँ पे आपको ऐसी जगह तो बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर मिलेगी जहाँ पे आपको प्योर वेज खाना हो, तो या वीगन बोलोगे तो आपको एकदम बिल्कुल वेज खाना मिलेगा। तो मैंने स्प्रिंग रोल और साथ में वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया है, लेट्स सी कैसा होता है खाना। लंच कर रही थी, मैंने आधा जूस पी भी लिया था, इसके अंदर से ना ऐसे सेलोटेप या फिर कुछ ऐसे स्ट्रॉ का आई थिंक वो मुझे मेरे मुंह में आया, तो मैंने उनको जस्ट इन्फॉर्म किया, मुझे मैंने आधा पी लिया था क्योंकि, और मैंने बोला कि इसमें से ये निकला, एंड दे वर लाइक कि ओके हम आपको दूसरा ग्लास देते हैं, मैंने बोला चलो ले लेते हैं यार, पानी तो वैसे भी प्यास लगती रहती है, ऐसे से वाटरमेलन जूस पियेंगे, इट्स वेरी नाइस, लाइक विदाउट कोई शुगर एडिड नहीं है इसमें, यम। तो या अब हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम जाएंगे एक मार्केट, नाम यार मेरे को ऐसे प्रोनाउंस करने में ना बड़ा बोर है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो हम उस मार्केट जाना है हमको ऐसे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए उस तरफ के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो बात है बहुत सारे हैं, लाइक नॉट वन नॉट टू, बहुत सारे, और सबकी फिर एंट्री टिकट है 200 बाहर कहीं की, 500 कहीं की, 300 कहीं की, 100, तो इतना सारा सब एक्सप्लोर नहीं करना है मुझे, मैं कुछ दूसरा भी आपको दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ यही यही नहीं दिखाना चाहती हूँ,
देर आर सो मैनी, मैं लिस्ट कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेन एवर यू विल कम तो आप डेफिनेटली देख सकते हो. बट या मैं वॉक करती हूँ सो दैट कि मैं जितना नेबरहुड हो सके सबका सब देख सकूँ अच्छे से. तो या अभी बहुत वॉक करते हुए सनाम चाय स्टेशन ही जा रहे हैं हम, वहाँ से हम देखेंगे मेट्रो लेंगे टिल दैट मार्केट. वहीं पर प्लैटिनम मॉल भी है जो कि बड़ा फेमस है बैंकॉक का. तो या लेट्स गो. एक मेट्रो लाइन चेंज करने के बाद रच्चापुरी मेट्रो स्टेशन है एक, वहाँ मैं पहुँच गई हूँ. यहीं से हमें कल एयरपोर्ट के लिए भी मेट्रो लेनी है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई भी कर लेते हैं कि कितना चलना पड़ेगा. उस हिसाब से मैं होटल से निकलूँगी, कल सुबह मेरी फ्लाइट है टू चियांग माई. या एंड यप, अभी हम मार्केट जा रहे हैं. इस मार्केट का जो नाम है बड़ा ही पेचीदा सा है. वेट, आई विल शो यू, आई विल फिगर इट आउट एंड आई विल टेल यू. यहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा है. एक तो ना यहाँ पे समझ नहीं आता है, यहाँ जाएं यहाँ जाएं. लेट्स गो हियर, लेट्स सी. समझ ही नहीं आता यार, मतलब ना तो लोग भी ज़्यादा नहीं दिखते हैं. और सही जा रहे हैं हम, मैंने मैप में डाल दिया है मार्केट का. 10-11 मिनट का वॉक दिखा रहा है. चलते हैं, चलिए जी. और पता है सबसे अच्छी बात क्या है अभी थाईलैंड में, विच आई हैव नोटिस, इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है. आई डोंट नो बिकॉज ऑफ कोविड के बाद वाला जो सीन है, इसलिए थाईलैंड में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं. आई डोंट नो वाई, बट आई एम लविंग इट, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है और मुझे यही पसंद है. लाइक लोकल्स भी इतने ज़्यादा ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए नज़र नहीं आ रहे, विच इज़ ग्रेट. अभी मुझे लगता है यहाँ से हमें नीचे उतरना चाहिए. गाइस देखो मुझे क्या दिख गया, टेस्ट ऑफ इंडिया. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी आंखों से पानी आ जाएगा. आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक बट दैट्स ट्रू. आज रात का खाना हम यहीं खा के जाएंगे, बिकॉज यस कल से हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ के बारे में मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे कि नहीं होंगे. तो बेटर बिफोर गोइंग देयर वी शुड हैव दाल चावल, जिसकी क्रेविंग हो रही है. साझा चूल्हा, ये नाम मैंने सुना है, ये वहीं की इंडिया की चेन है, तो हम ज़रूर वहीं पर जाकर भोजन करेंगे आज जाने से पहले. तो अभी तो वैसे 3:30 बज रहे हैं, आराम से घूमते हैं 2-3 घंटे अपने पास मस्त, उसके बाद फिर अपन चलेंगे. सरोजनी नगर, अभी गाइस इसी के सामने, इस मार्केट के जस्ट सामने जो है प्लैटिनम मॉल है. और मैंने वो जो साझा चूल्हा जो था इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ के रिव्यूज पढ़े, इट वॉजन दैट गुड. सो आई एम डिसाइडिंग कि मैं बेटर है यहाँ चली जाऊँ. सामने बर्गर किंग है, बर्गर खा लूँगी चल जाएगा, या पैक करा लूँगी वहाँ जाके आराम से खाऊँगी. बिकॉज या मॉल में तो ऐसा कुछ देखना नहीं है, समझ नहीं आ रहा मॉल के अंदर जाऊँ ना जाऊँ. एक फनी बात हुई मेरे साथ, मैं बर्गर किंग गई थी, वो बंदा इंग्लिश ही नहीं जान रहा है, समझ ही नहीं रहा. मैं उसको बोल रही हूँ वेज बर्गर चाहिए, वेज बर्गर चाहिए भाई, मैंने बोला. उसने जब फिर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने बोला ये वेज है, मैंने बोला ओके, ऑर्डर प्लेस कर दिया. उसके बाद वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, नो मीट ओनली चिकन. आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक आई डोंट वांट, कैंसिल माय ऑर्डर, आई रियली डोंट वांट. अब मैं मैकडी दिखाए वहाँ जा रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है. यहाँ पे भी वेज बर्गर नहीं था, तो फाइनली आई हैड टू चूज फ्रेंच फ्राइज.
ओके एवरीबॉडी, तो लेट्स कॉल इट अ डे। मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल रूम में और आके रूम एकदम साफ सुथरा क्लीन मिला है मुझे। एक चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप बाहर जाते हो, तो पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप बाहर वाली कंट्री में हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा अपने पास रखो। कुछ कैश जो है वो एक वॉलेट में रखो, कुछ अलग जगह पे रखो, ऐसे दो तीन जगह अलग अलग करके रखो। एक दो कार्ड है तो दोनों कार्ड को भी अलग अलग जगह रखो। इस तरीके से करने से क्या होता है ना, कभी आप प्रॉब्लम में फंस गए तो नहीं होगा, कोई टेंशन। आज मेरे साथ एक पचका ज़रूर हुआ है, वो ये हुआ कि मेरे पास आई रन आउट ऑफ कैश, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब दो मेरा हो गया, मतलब थोड़े बहुत मेरे पास चिल्लर चिल्लर बची हुई है, बट उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास ऐसे 100 बात नहीं थे इन टोटल। चिल्लर विल्लर देना ऐसे अच्छा नहीं लगता है टैक्सी वैक्सी वालों को। फिर मैं ग्रैब ऐप जो है, जो ग्रैब ऐप यहाँ पे चलता है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, लाइक उबर ओला के जैसा होता है, उसमें बाइक भी आप बुला सकते हो, आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, देयर सो मेनी थिंग्स, तो आप टैक्सी भी रेंट कर सकते हो। तो फिर मैंने उसमें वहाँ पर जो भैया खड़े थे उनसे मैंने पूछा कितना लोगे, तो उन्होंने बोला 100 बात टू माई होटल। और फिर मैंने ग्रैब में देखा, अच्छा हुआ मेरे पास वो ऐप डाउनलोडेड था, फिर मैंने वो ग्रैब ऐप में देखा तो उसमें दिखा रहा था 70 बात, तो मतलब 30 बात का डिफरेंस था। तो मैंने फटाफट से बुक किया, वो भैया आया, उसके साथ भी एक फ़नी चीज़ ये हो गई कि उनके अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ था एड्रेस, एंड आई वॉज लाइक नहीं भैया मुझे यहाँ नहीं जाना है, एंड ही वॉज लाइक दिस इज़ होलम फोम, लाइक ओके फाइन चलो ले चलो रास्ते पर। लाइक अरे अरे भैया, मतलब एक हाथ से मैंने पीछे पकड़ा हुआ है तो मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई, एंड इट वॉज सो फनी, भैया वॉज सो काइंड। उनको दो इंग्लिश नहीं आती थी, बट यार इट्स सो गुड, लाइक अब जब दूसरी कंट्री विजिट करते हो ना तब आपको समझ में आता है। आप समझते हो कि लोग बुरे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, सब कोई बुरे नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे हो ना सब कुछ सही होता है। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट, और यार बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, इंस्टिंक्ट पे ज़रूर भरोसा करो। तो उसी के साथ, इसी ज्ञान के साथ एक्चुअली आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई एम सो टायर्ड, आई टेक शावर, क्योंकि पसीने से ऐसे ऐसे हो गई हूँ मैं। शावर लूँगी और आराम से चिल करूँगी, क्योंकि अब 7 बज चुके हैं और अब बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी मैं सोलो ट्रिप पे होती हूँ, जल्दी वापस आ जाती हूँ। तो बस आराम से चिल करूँगी, खाना मैंने खा लिया है, ज़्यादा भूख है नहीं अब कुछ भी। अब जल्दी सोना है क्योंकि कल सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। वैसे फ़्लाइट तो 9:50 की है, पर क्योंकि हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, हम थोड़ा सा हर जगह चीज़ में जल्दी निकलते हैं, अकेले हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो कल नया व्लॉग फिर से शुरू करेंगे सुबह सुबह। अभी के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ, और सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ अब मैं, अब मेरे में एनर्जी नहीं है। चलो बाय, सी या, नमस्ते। तो ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफ़ी मंगवा ली रूम में, थेपला का पैकेट लेके आए थे, कॉफ़ी और थेपला, क्योंकि कॉफ़ी के बिना चलता नहीं और थेपला खाली खाया नहीं जाएगा। तो बस बाहर ही करेंगे तो बाहर ही निकाल देंगे लोग हमें कैफे से, नेवर द माइंड। बाय द वे, सुबह सुबह का फेस है, कल रात को जल्दी सो गई थी मैं, अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ, जस्ट शावर लिया है, आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन हम निकलेंगे आज एक्सप्लोर करने।